निश्चित अब भोजपुरी मांग ही नहीं, मैथिली और अंगी का चारों भाषा को शामिल करना होगा। इसलिए करना होगा कि द्वितीय राजभाषा का दर्जा इस भाषा को प्राप्त है, कानूनी रूप में इसको मिल चुका है मान्यता, उसको आप निरस्त नहीं कर सकते। आज माननीय महामहिम राज्यपाल का भी कई ऐसी दैनिक अखबारों में समाचारों में प्रकाशित हुआ है कि झारखंड की विधि व्यवस्था आने वाले समय में गड़बड़ा सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जो है कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, और हमको लगता है कि 2002 से कहीं बड़ी घटना का पुनरावृत्ति ना हो जाए। कि 2002 में जब राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब थे, तो डोमेसाइल के नाम पर 1932 का खतियान लागू करने का कोशिश किए थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि हमारे समाज के लोग और आदिवासी भाई परिवार के लोग, कई लोगों की जान चल गई। और जब जान चल गई तो मिला क्या चीज राज्य को? हम लोग समझ चुके हैं। अब लगता है कि हमारा जो पूर्व में बोला हुआ बयान था कि महापंचायत की आवश्यकता पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर महापंचायत का गुलगुलान करने की स्थिति में हम लोग आने की ओर जा रहे हैं। हमारे अगर पक्षधर नहीं होंगे जो इसका सरकार के निर्णय खिलाफ नहीं करेंगे, उनको हम लोग रोड पर लाने का काम करेंगे, नंगा करा दिया जाएगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। अब भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका भाषा को अब संपूर्ण जिलों में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की रणनीति बना रहे हैं तकरीबन 28 संगठन। धुरवा नर्सरी पार्क के समीप तकरीबन 28 संगठनों की बैठक आज संपन्न हुई। 1932 का सर्वे अंग्रेजों ने किया था, न कि भारत सरकार ने। ऐसे में झारखंड में 1932 के खतियान का आधार पर जो राजनीति हो रही है, यह सरासर गलत है। भोजपुरी भाषा विवाद और 1932 के खतियान के विवाद पर आज कैलाश यादव ने सरकार को घेरा, तो वहीं जगन्नाथ महतो पर कटाक्ष किया, तो वहीं कई मुद्दों पर ग्रस्त नजर आए कैलाश यादव। क्या कुछ कहा अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने, आइए सुनते हैं। देखिए, भाषा विवाद तो एक प्रायोजित है सरकार का, और इसलिए प्रायोजित है कि सरकार के मुखिया का चुप्पी, चूंकि महीनों दिन से भाषा विवाद को जो है कि एक रूप देकर लोगों में भड़काने का काम हुआ, और मुख्यमंत्री इस पर आँख में पट्टी लगा के बैठे हुए हैं, तो अब स्पष्ट मैसेज हो गया लोगों में। अब लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें जो है कि लिप्त है, नहीं तो सरकार में आसीन मंत्री, शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार बेतुके बेलगाम बयान देना भाषा के नाम पर, भोजपुरी बोलने वालों को, मगही बोलने वालों को, मैथिली बोलने वालों को, अंगिका बोलने वालों को अतिक्रमणकारी कहना, बाहरी कहना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। 1932 का सवाल है तो 1932 जो है ब्रिटिश सर्वे है, भारत की आज़ादी 1947 में हुई, तो असंवैधानिक मांग और आधारहीन मांग का हम मांगों पर हम क्या बोलें? जो लोग मांग रहे हैं उनसे हमारा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सरकार में शामिल मंत्रियों के द्वारा अगर 1932 की मांग होती है तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए कि ब्रिटिश सर्वे को आप उठाकर बात में आपस में लड़ाना चाह रहे हैं 32 के नाम पर, तो 32 मांगोगे तो हम अलग राज्य मांगेंगे। 32 का कोई तुक ही नहीं है, इसलिए 1932 के नाम पर पूर्व में भी राज्य में खेला हो चुका है, कई लोगों की जान जा चुकी है। आप लोगों को संज्ञान में होगा कि 2002 में जब राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब थे, तो डोमेसाइल के नाम पर 1932 का खतियान लागू करने का कोशिश किए थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि हमारे समाज के लोग और आदिवासी भाई परिवार के लोग, कई लोगों की जान चल गई। और जब जान चल गई तो मिला क्या चीज राज्य को? कुछ नहीं मिला। और जो आग लगाए थे, जो इसका अगुवाई किए थे, नेतृत्व किए थे, आज कहाँ है? राजनीति घासिए पर वनवास में चल गए। आज भी राजनीति में प्रथम स्तर पर बैठने लायक नहीं रह गए हैं, वही काम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, इसके लिए इनको गद्दी पर नहीं बैठाया गया था, इसलिए इनको जो है कि सत्ता का मुखिया नहीं बनाया गया था, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इनको संभालना होगा। नहीं तो हमको लगता है कि कुछ ही दिन में इनकी बहुत देर हो जाएगी अगर नहीं संभले तो, ऐसा हम लोग को अब लग रहा है। आज माननीय महामहिम राज्यपाल का भी कई ऐसी दैनिक अखबारों में समाचारों में प्रकाशित हुआ है कि झारखंड की विधि व्यवस्था आने वाले समय में गड़बड़ा सकती है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जो है कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, और हमको लगता है कि 2002 से कहीं बड़ी घटना का पुनरावृत्ति ना हो जाए जो स्थिति में राज्य चल रहा है। सारा जवाबदेही सरकार की होगी और सरकार में शामिल सभी साथियों का भी होगा, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि अगर हम चुप हैं और सरकार अकेले बोल रही है, जेएमएम का लोग बोल रहा है, तो इस सुनियोजित टीम में कौन कौन पीछे से है सबका चेहरा बहुत जल्दी बेनकाब हो जाएगा, और उसको हम लोग बेनकाब करेंगे। इसलिए कि जब व्यक्ति हित में, व्यक्तित्व में जब क्षति होगी तो लोग उस समय पार्टी और जाति नहीं देखेगा, उस समय लोग अपना अस्मिता के लिए, सम्मान के लिए सड़क पर आएगा और सबको बेनकाब करेगा। आपने बहुत अच्छा और बड़ा सवाल किया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जीत और हार की लड़ाई नहीं हो रही है, ये मंत्री का जीत नहीं है। मंत्री जो अपने पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कराने का काम कर रहे हैं, और बादल पत्रलेख और मिथिलेश ठाकुर को अगर लंबी राजनीति करना है, इस राज्य का भविष्य बनना है, उनका भी अगर सपना ख्वाब है कि हम भी एक दिन राज्य का मुखिया बने और लोगों के जो है कि उन्नति विकास के लिए, समृद्ध राज्य के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे, तो उनको ऐसे ऐसे निर्णयों के खिलाफ आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो जनता जो है कि इस बार सिखा देगी आप लोगों, इसलिए कि बहुत मुश्किल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हम लोग हटाए थे, और अगर उसकी पुनरावृत्ति आपके द्वारा हो रहा है और आप आकांक्षाओं से अलग जा रहे हैं, अपेक्षा के खिलाफ काम कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर जो है कि आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे बादल पत्रलेख हो, मिथिलेश ठाकुर हो, या अन्य कोई मंत्री हो, या और कोई जनप्रतिनिधि हो। जो भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंकिया बोलने वाले लोग हैं उनको मुखरता के साथ में सरकार के इस निर्णय के खिलाफ करना पड़ेगा। और मेरा मांग है अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैत्री अंकिया मंच की ओर से कि अब बोकारो धनबाद की लड़ाई नहीं रह गई, अब पूरे राज्य में लागू होना चाहिए। इसलिए लागू होना चाहिए कि कोई कई एक दो भाषाओं को राज्य में जो है, जो राष्ट्रभाषा है, उसको सभी जिलों में शामिल कर दिया गया जिला स्तर पर, तब हमारा भी जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त मिला है, जो द्वितीय राजभाषा का दर्जा में लिया गया है, अब समूचे राज्य में लागू होना चाहिए। अब हमारा सम्मान और हमारा अनदेखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इन भाषाओं को लागू करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, नहीं तो जन आंदोलन का स्वरूप होगा और सरकार को अनहोनी का जो है कि शिकार होना पड़ेगा। आपको मैं स्पष्ट तौर पर बता दे रहा हूँ, निश्चित तौर पर सरकार लगता है कि वो परिस्थिति को लाना चाहती है, इसलिए हम सरकार को कह रहे हैं, हमारी सवाल और जवाब तो सरकार से ही है, क्योंकि सरकार के में शामिल मंत्री और उनके पार्टी के विधायकों द्वारा एकीकृत किया जा रहा है, उसके पीछे जो विपक्ष में कुछ पार्टियां बैठी है, क्षेत्रीय पार्टियां, वो भी मुखर्जा के साथ में पिछले दरवाजा से जो है कि इसमें लगी हुई है, तब ऐसा लोगों को लग रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं अंदर में जो है कि सिटिंग एटिंग करके लोगों में जो है कि एक व्यापक असर पर, व्यापक स्तर पर लोगों में लड़ाने का काम, भाषा के नाम पर कराने के काम करें, लेकिन हम लोग उतना ना समझ नहीं है कि आपका जो है कि क्रियाकलापों को हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग समझ चुके हैं। अब लगता है कि हमारा जो पूर्व में बोला हुआ बयान था कि महापंचायत की आवश्यकता पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर महापंचायत का गुलगुलान करने की स्थिति में हम लोग आने की ओर जा रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस के अलावा और पार्टियां हैं, जैसे बताएं आपकी, जैसे सुदेश महतो की पार्टी है, आशू पार्टी, उनके विधायक, उनके नेता खुलकर बोले, उनके सांसद ने दो दिन पहले मानव श्रृंखला का नेतृत्व किया था, पूर्व में हाशिए पर गए कई नेताओं जो लगातार जनता के द्वारा नकारे जा रहे हैं, वैसे वैसे विधायक और मंत्री रहे, वैसे वैसे लोग भी इसमें आके शामिल हो रहे हैं। रांची के 5 बार सांसद रहे रामटाल चौधरी जी, उन्होंने भी इसका विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये भाषा का विवाद और भाषा का विषय, ये सब पार्टियों का अपना अपना जवाबदेही तय करेगी। हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि इसकी जवाबदेही सभी जनप्रतिनिधियों पर तय होनी चाहिए, और आने वाले समय में हमें बता देते हैं कि इसको हम लोग जवाबदेही तय कराएंगे। सभी नेताओं का विरोध होगा जो इसके खिलाफ में होंगे, हमारे अगर पक्षधर नहीं होंगे जो इसके सरकार के निर्णय के खिलाफ नहीं करेंगे, उनको हम लोग रोड पर लाने का काम करेंगे, नंगा करा दिया जाएगा। जनता ही आपको बचाई है और जनता ही आपको उतारेगी, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो देश के सबसे कद्दावर और लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा जो भोजपुरी, मगही, मैथिली का विरोध करेगा भाषा का, उसका हम विरोध करेंगे। ये रिकॉर्ड में है, सार्वजनिक है, सर्वविदित है। और दो दिन पहले
देश के दूसरे बड़े नेता नीतीश कुमार आदरणीय जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी स्पष्ट शब्द में कहा कि राज्य सरकार हेमंत सोरेन जो मुखिया है यहाँ के मुख्यमंत्री, वो राज्य विरोधी निर्णय लिए हैं, अपने लंबे राजनीतिक भविष्य पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तो आप, हम तो अभी किसी को आह्वान नहीं किए हैं। कल सरजू राय जो अति आदरणीय हमारे जो पूर्वी जमशेदपुर के विधायक है, उन्होंने धनबाद में क्या बोला है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित जो है कि भाषा का विवाद है। तो हमको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस भाषा से पीड़ित हैं, प्रेरित हैं, और जो इस जनभावनाओं को समझते हैं, उनका सम्मान में अब ठेस पहुंचना शुरू हो गया है। ये जन आंदोलन होगा, जनता का आंदोलन होगा, नेता का आंदोलन नहीं होगा। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम आप देखते जाइए, चूंकि 25 तारीख से सत्र चलने वाला है, बजट सत्र है। हम लोग देखना चाहते हैं कि सत्र में नेताओं की भूमिका क्या है, जो जनता ने निर्वाचित करके जिनको भेजा है, चाहे कांग्रेस में लोग हो, भारतीय जनता पार्टी में लोग हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग में हो, राष्ट्रीय जनता दल में हो, आजसू में, चाहे जो भी पार्टी है, हम लोग उनका चरित्र देखना चाहते हैं। निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र के बाद, होली के बाद, हम लोग जो है कि जिला स्तर पर प्रतिकार मार्च शुरू करने जा रहे हैं, और बड़े पैमाने पर राज्य आंदोलन की तैयारी हो रही है राज्यव्यापी। हमारी 2400 जिलों में भाषा की अब मांग होगी शामिल करने की, मतलब। और सुन लीजिए, 19 का 32 का जो राग लापेगा, हम अलग मगध राज्य बनाने का मांग करेंगे, फिर से झारखंड में एक बंटवारे का मांग होगा, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगा हम लोग देने के लिए। मतलब भोजपुरी और मगही को लेकर आप 2400 जिला में आप लड़ाई लड़ेंगे? निश्चित, अब भोजपुरी मगही नहीं, मैथिली और अंगी का चारों भाषा को शामिल करना होगा। इसलिए करना होगा कि द्वितीय राजभाषा का दर्जा इस भाषा को प्राप्त है, कानूनी रूप में इसको मिल चुका है मान्यता, उसको आप निरस्त नहीं कर सकते। निरस्त कीजिएगा तो जो संविधान के रक्षक है, अवैधानिक निर्णय का खिलाफ में, हम संविधान के रक्षक महामहिम राज्यपाल से आग्रह करें, गुहार लगाएंगे, उनसे नहीं होगा, हम उचित फोरम में जाएंगे, न्यायालय तक भी जाना हो तो जाएंगे, केंद्र तक जाना हो तो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये कैलाश यादव का जुबान नहीं है, ये जन आंदोलन का जुबान है, आपको मैं स्पष्ट शब्द में बता देना चाहता हूँ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।